हमारे साथ सांसद दानिश अली हैं। जो दानिश अली के साथ कल हुआ आपने देखा, बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिन्हें ओम बिरला जो कि सभापति हैं लोकसभा के, उन्होंने स्पंज कर दिया, यानी कार्रवाई से हटा दिया है और चेतावनी दी है। दानिश अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए। दानिश अली, क्या मनस्थिति है इस समय, जहन में क्या चल रहा है आपका? एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, छात्र नेता रहे, कर्नाटका में रहे, फिर लोकसभा से चुन के आए अमरोहा से, और लोकसभा से चुन करके आए, मनोनीत होकर के नहीं आए हैं। इस समय क्या स्थिति है आपकी मानसिक? मानसिक स्थिति, रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। दानिश भाई रुके, ये भी सच्चाई दिखाने दीजिए कि एक लोकसभा सांसद जो है वो नहीं बोले, लोकसभा सांसद हैं जो बोलते बोलते भावुक हो गए। दानिश भाई, ये सच्चाई नहीं, देखने दीजिए आपके, ये मुझे पता है कि आप स्टंट के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितना तकलीफ होती है उस वक्त जब आपके साथ वो लफ्जों का प्रयोग होता है। दानिश भाई बोलिए, बात ये बात भी आनी चाहिए, अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफ दानिश भाई, तकलीफ इस तरह कदर के दानिश भावुक हो गए हैं। तो आपने देखा दानिश अली भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इतनी तकलीफ होती है कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाए, तो ये सच्चाई है। अब क्या कार्रवाई होती वो देखनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानिश अली ने ये कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो भारी मन से सदस्यता छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। दानिश भाई बात करते करते हमसे भावुक हो गए थे। दानिश जी, उस बात को छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए एक लोकसभा सांसद के साथ ये सारी चीजें होना। अब आप ओम बिरला जी के पास गए, आपने उनसे कागज पे प्रिविलेज का नोटिस दिया है, क्या कहा आपने उनसे? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैं दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन वो अपने दफ्तर नहीं आए थे, तो मैं इंतजार करके मैं उनके दफ्तर में जो है अपना पत्र जो है रिसीव कराया। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप भारी मन से सदस्यता छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं, इसके पीछे क्या आशा है आपका? इसके पीछे यह है कि जब मेरे राइट्स ही प्रोटेक्ट नहीं हो रहे वहाँ, कि जिस तरीके से मतलब वो कोई नया व्यक्ति नहीं, वो मेरे ख्याल से इफ आई रिमेम्बर ही इज अ थर्ड टर्म एमपी, मिले भी रहे पहले, तीन टर्म का एमपी, आरएसएस का ट्रेंड, बीजेपी का वरिष्ठ सांसद, और उसके पीछे दो और वरिष्ठ सांसद जो कैबिनेट में रहे हैं मोदी जी की, वो थपथपा रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि शायद कोई आउटबर्स्ट इमोशनली हो गया हो, एक ऐसा कि वो सोचे समझ के जिस तरीके से किया गया है वो, मतलब मैं तो अभी भी उस शौक से बाहर नहीं निकल रहा हूं कि ये वो क्या रहा है इस देश में। आखिरी सवाल आपसे, ओम बिरला साहब ने चेतावनी दी है, 15 दिन के नोटिस दिया है, उनको बोला है कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए, जो कार्रवाई हुई क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केस तो हो नहीं सकता क्योंकि हाउस के अंदर हुआ है जितना मैं समझता हूं, आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं सीधे शब्दों में? सीधे शब्दों में ये ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमने हाउस में देखा है, जो हमारा छोटा मोटा अनुभव है, पिछले सेशन में देखा हमने कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया मोशन ला करके। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि सरकार खुद मोशन लाए और ऐसे सांसद को, ये खाली दानिश अली का सवाल नहीं है, ये इस देश की जमहूरियत का, इस देश के लोकतंत्र का सवाल है कि लोकतंत्र के उस मंदिर में जिसमें हम सब बैठते हैं और हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम प्रधानमंत्री के उसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर प्राउड ऑफ इट, और वहां पर ये हो रहा है। तो ये तो कॉल पार्लियामेंट के सब सांसदों को लेनी है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको लेनी है। दानिश अली के बाद यहीं पर सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया।